धनुष बाण छिनने के बाद क्या निशान और नाम उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या होगा संविधान जानिए। शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। शिंदे के साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक और 13 सांसद भी उनके साथ चले गए थे। इस वजह से उद्धव ठाकरे गुट काफी कमजोर हो गया है। इतना ही नहीं, असली शिवसेना कौन सी है इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद यह मामला चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के दस्तावेजों की जांच पड़ताल और सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए उसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। इस फैसले के विरोध में उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से नई पार्टी और उसके नए संविधान निर्माण को लेकर काम शुरू किया गया है। इसके लिए ठाकरे गुट की तरफ से एक लीगल फर्म को नियुक्त किया गया है। फिलहाल उद्धव बालासाहेब ठाकरे यह नाम सब जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं मशाल चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ठाकरे गुट को यह नाम और चिन्ह अंधेरी ईस्ट और कस्बा विधानसभा उपचुनाव के लिए ही चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था। ऐसे में ठाकरे गुट का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम क्या होगा इसे तय करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हलचल शुरू हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद से उद्धव गुट भी काफी सक्रिय हो गया है। नई पार्टी के नए संविधान में पुरानी शिवसेना की भी झलक रहेगी। नई पार्टी में भी उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष पद कायम रहेगा। इसी प्रकार पार्टी के सभी अधिकार उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आई है। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू है। दोनों तरफ से दलीलों और सबूतों के दौर अदालत में शुरू है। ऐसे में विपरीत परिस्थिति के लिए ठाकरे गुट ने अपना प्लान बी तैयार करना शुरू कर दिया है।